हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे मेरी तरह, जैसे मैं ठीक हूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए मेरे को दिक्कत आने लगती है। देखो, आज मैं ये अचार डालूँगी इसका। ये मोटी मोटी हरी मिर्ची है, सिंपल तरीके से एकदम। ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, मैंने उनसे पूछ के ये तैयारी कर ली। तो मैं एक पाव मिर्च लाई थी, आज ट्राई कर रही हूँ। उसके बाद अगर अच्छी बन गई तो फिर और बनाऊंगी। ये सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, और कोई नहीं खाता इनको। एक पाव मैंने हरी मिर्च ली है, ठीक है। और देखो, एक पाव लिए मैंने नींबू। इन नींबू काट काट के रख लिए। इन नींबू को इस तरह से काटा है, जैसे खरबूजे के फाग काटते हैं ना, उस तरह से काटा है इसको। एक पाव थे ये, तो मैंने दो अभी बचा लिए, क्योंकि मुझे नींबू पानी पिलाना अपने बच्चे को। उसको थोड़ा सा मन कर गया नींबू देख के, मम्मी मेरे को नींबू नींबू पानी पिलाओ पहले। मैंने कहा चल थोड़ छोड़ दो, नींबू बचा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नींबू को अच्छी तरह धो के सुखा के काट लिया इनको। ये देखो, ऐसे ऐसे टुकड़े बना लिए, जैसे आंवले की कैंडी होती है ना, जैसे आंवले के फाक करते, इस तरह से मैंने बना लिया। आंवला और खरबूजा इसी तरह से काटते हैं। और जो ये मैंने ये मिर्च को बीच में चीरा लगा लिया ऐसे करके, ये देखो ऐसे सारी मिर्च को मैंने ऐसे चीरा लगा लिया इसमें, इस तरह से। ये मिर्च ज़्यादा चटपटी तो होती नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा है ना टेस्टी हो जाएगा जब खाते हैं ना, खाने के साथ थोड़ा टेस्ट आ जाता है इसे खाने में। थोड़ी खट्टी, थोड़ी चटपटी, थोड़ी नमकीन ऐसी लगेगी। देखो, इन सबको ना मैं अब इन सबको एक डब्बे में भर लूँगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इनमें अब तो इन मिर्च को और नींबू को मैं एक डब्बे में डाल लेती हूँ, ठीक है। मैं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अब ये एक डब्बा लिया है साफ़ सुथरा, इसको धो के मैंने सुखा लिया बिल्कुल। अब इसमें मैं अपनी ये मिर्चें डाल देती हूँ। मिर्च डाल दी, अब मैं इसमें ये नींबू डाल देती हूँ। ये तरीका ना मेरे फ्रेंड ने बताया है। मेरे फ्रेंड है वो प्रीति, यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर प्रीति वर्मा, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया। सिंपल रेसिपी एकदम, और फटाफट बन जाएगी, एक दो दिन में ही अचार खाने लायक हो जाएगा। मैंने उनसे ही मैंने पूछ के ये बताया, ये करा है, इस तरह से बनाया। मैंने कहा चलो अब के ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा बना तो दोबारा ऐसे ही बना लिया करूँगी, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही नुकसान होगा, ठीक है। अब सब फ्रेंड्स, अब मैं इसमें मिलाती हूँ नमक। तो फ्रेंड्स देखना कितनी अच्छी लग रही है, हरा और पीला जो रंग, कैसा अच्छा लग रहा है। अब देखो, इसमें मैं डाल दूँगा थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं, नमक ही अच्छा लगता है। नमक का थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी। अब काली मिर्च वगैरह थोड़ी सी डालूंगी, बस काली मिर्च कूट के डालूंगी। अब इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने नींबू नींबू और मिर्च में नमक डाल दिया। अब मैं इनको मिला के मिक्स कर लूँगी ऐसे। अच्छा लग रहा है ना, कलर वगैरह तो अच्छा लग रहा है, हरा और पीला। मेरा तो अभी मन कर रहा है खा लूँ इसको। तो इसको अच्छे से ऐसे कर दूँगी मैं ज़्यादा मसाले जानबूझ के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि इससे इससे मेरे को टेस्ट बन जाएगा। कोई कोई तो मैं काली मिर्च भी डाल लेता, पर मैं नहीं डालू काली मिर्च वगैरह, मैं ना डालू। मैं सिंपल बनाऊंगी एकदम, ना हल्दी ना कुछ, बस नमक नमक और नींबू और ये मिर्ची। देख, मेरा तो ऐसे ही मन कर रहा है, ऐसे हिलाते रहो ऐसे करके। ये देखा, मुझे तो खेल सा लग रहा है, आज मजे आ रहे हैं ना आपको भी देख के। देख ऐसे उछालते रहो, बचपन के दिन याद आ गए। देख ऐसे करके ना, जो पिंटू खेलते थे ऐसे।
ऐसे ऐसे उछालते थे वो, पिंटू खेलते जो मजे आ रहे हैं ऐसे करने में, ऊपर का थोड़ा सा ऐसे ऐसे यार, ऐसे दिखाना बीच में। हाँ देखो मेरी औलाद हंस रही है मेरी बात सुन सुन के। ये देखो बनाते नहीं, आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा थोड़ा सा पकड़ ले भाई कैमरा मोबाइल का। देखो भाई देखो फ्रेंड्स, मेरी अभी से ही ना ये मिर्च और नींबू अभी से आपस में जो है मेलजोल मिला रहे हैं। देखो संगम हो रहा है इनका भी। देखो ये देखो इनका संगम हो रहा है अभी देखो। और ये जो है अब नीचे को बैठे जा रहे हैं, आपस में घुल मिल रहे हैं। देखो कितना अच्छा हो गया है। गुस्सा दिखा रही मुझे ऐसे, मैं ठीक तो कह रही हूँ। अच्छा ये रह गया, ये भाई मेरे पता, जैसे बोलना मैं ऐसे बोलूंगी। अच्छा ये ले, नहीं तो अपना ये कर ले ना ले। तो फ्रेंड्स देखो ये मेरा कितनी अच्छी महक आ रही है, अभी से महक आ लग भी तो कुछ हुआ नहीं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको बस, मेरा रेडी हो गया ये, अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ठीक है आप लोग भी इस तरह से बना लेना, ठीक है। और थोड़ा सा ही तो खर्चा होगा, अगर ख़राब भी होगा तो क्या होगा, दो चार नींबू और दो चार मिर्चें, अगर ख़राब होगा तो कोई बात नहीं, और अच्छा होगा तो फिर मज़े आ जाएंगे। थोड़े से उसमें खर्चे में अच्छा धमाल टेस्ट। तो फ्रेंड्स मैं इसको बंद करती हूँ, ठीक है। अपना अचार का डब्बा ये मैंने कर दिया बंद, और 2 दिन बाद इसको हम खोल लेंगे। ठीक है देखो थोड़ा ऊपर कर ऐसे। हाँ तो फ्रेंड्स देखो ये अब भी अच्छा दिख रहा है, देख कितने अच्छे कलर लग रहे हैं इसके। काश ये कलर ऐसे ही रहे, जब तक बताऊँ ना ऐसे कलर रहने चाहिए इसके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए। बंद करूँ ये लो, थैंक यू वेरी मच। ये देखो फिर दिखाऊंगी, जब ये गल जाएगा तब दिखाऊंगी और आपको। ठीक है फ्रेंड्स ये लो हो गया।